मतदाताओं को मृत आत्माओं की शांति के लिए उनको सदगति प्रदान करने के लिए जो निरंतर मैदानी अर्पित की जाएगी और ईश्वर से प्रार्थना करते के बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों जाने गई और हजारों की संख्या में घायल हुए। कई ऐसी जानकारी है कि अभी तक के कई सौ की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये भी जानकारी है कि कुछ लोगों का परिवार भी नहीं है। ऐसे लोगों के मृत आत्मा की शांति के लिए आज संस्कारधारी राजनांदगांव की ओर से हमारे सनी देवधाम परिवार और सर्व समाज जिसमें पूज्य सिंधी समाज, पूज्य कायस्थ समाज, पूज्य राजपूत समाज और हनुमान जयंती, इसके अलावा और जितने भी हैं पूज्य सिख समाज, सारे लोग, यहाँ तक कि प्रेस क्लब वाले भी हैं, सभी ने इस आयोजन में शरीक हुए और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं, उनको पुष्पांजलि देते हुए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो परिवार हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उनको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। अक्षम्य घटना है, अगर कोई अपराध है इसमें अगर किसी प्रकार के कोई दोषी पाया जाता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मानवता के नाते मेरा ये निवेदन है कि चाहे वो किसी भी बात कहो, इसको राजनीति ना लाया जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये भी एक अपेक्षा करता हूँ, सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये लंबा ना चले जाँच, बहुत ही जल्दी जो है दोषियों का पता लगे और ये उसको क्षमा ही नहीं किया जा सकता है, चाहे मानवीय भूल हो या किसी प्रकार का षड्यंत्र जैसा भी हो, हम इंतजार कर रहे हैं। बस यही निवेदन आम जनता की ओर से कि जल्द से जल्द जो है दोषियों का पता करें, उनको सकड़ी सजा दें।